आपका स्वागत है राधा रेसिपी चैनल में। और मैं बनाने जा रही हूँ डोसे की चटनी, जो कि नारियल की चटनी बनती है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ये भुने हुए चने हैं जो भिंगो के रख दिए थे एक घंटे, और नारियल का बूरा सूखा हुआ। अगर नारियल पानी वाला नारियल नहीं हो तो सूखा वाला नारियल भी ले सकते हैं, इससे चटनी भी बहुत टेस्टी बनती है, ठीक है। और ये मैंने 2 चम्मच दही लिया हुआ है, ये रेड लाल मिर्ची है और कड़ी पत्ता है और राई है 1/2 चम्मच, और टेस्ट अनुसार नमक डालना। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले क्या करना है, नारियल का चटनी बनाने के लिए पहले जार लीजिए और जार में ये सब चीजें डालते हैं। सबसे पहले ये सब चीजें डाल दीजिए, इसमें सारा सामान डालने के बाद और टेस्ट अनुसार नमक, और ये सब चीजें मिक्सी के जार में अच्छे से पीस दीजिए। देखिए ये नारियल की चटनी तैयार हो चुकी है, जो कि मैंने पीसी थी। इसमें नारियल का बूरा है, जो नारियल का बूरा डाल रखा है, और चने हैं भुने हुए, और नमक है, तीनों चीजें। इसमें 2 चम्मच मैंने दही भी ऐड कर दिया था खट्टे के लिए। अगर आप चाहो तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और नहीं डालना हो तो मत डालिए। और ये रेड मिर्ची है और कड़ी पत्ता है और राई है तड़के के लिए। सबसे पहले गैस ऑन कीजिए, गैस पे ये थोड़ा फ्राई पैन रखिए, फ्राई पैन में थोड़ा हल्का सा ऑयल डालिए, इसमें राई राई चटकने लगेगी, थोड़ी राई चटकने लगे, इसके बाद कड़ी पत्ता और रेड मिर्ची, ऑप्शन में रेड मिर्ची अगर खाओ तो डालो, नहीं डालना हो तो मत डालिए। और ये चटनी मैंने इस बाउल में रख दी थी, चटनी को मैंने इस बाउल में रख दी है, और मैं इसके बाद ये इसका तड़का तैयार हो चुका है। तड़का तैयार कर लिया, मेरी ये नारियल की चटनी तैयार है डोसे की। और मैं बनाने जा रही हूँ आज डोसे के आलू, जो कि डोसे के साथ अगर आलू नहीं हो तो टेस्ट भी क्या होता है, ठीक है। इसलिए डोसे के साथ मैंने देखो ये आलू लिए हैं, जो कि मैंने उबाल के मैश कर लिए इनको अच्छे से, ठीक है। और ये सांबर मसाला है, कटे हुए टमाटर, इमली का रस, प्याज, और एक हरी मिर्ची है, थोड़ी धनिया है, और लाल मिर्ची है, और खड़ी लाल मिर्ची है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, कढ़ाई रखते हैं। ये देखो डोसे, सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी थी, और कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद मैंने राई डाली है, राई 1/2 चम्मच राई डाली हुई है, राई छोटी वाली राई है, और ये कड़ी पत्ते डाले हैं। कड़ी पत्ते डालने के बाद मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची, और थोड़ी सी टेस्ट अनुसार मटर भी डाल दी है। कई लोग मटर पसंद करते हैं, मटर से थोड़ा टेस्ट भी अच्छा लगता है मटर से, ठीक है। और ये मैंने मैश किए आलू है, जो कि मैंने ये देखो सारा मसाला तैयार है मेरे आलू का। देखिए आप कितना, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा हो, कलर भी कितना अच्छा आया है इसका। अब मैं इसके बाद में जब मेरा मसाला अच्छे से सीख जाएगा, देखो ऑयल छोड़ने लगा है मसाला, ऑयल छोड़ने के बाद क्या करेंगे आप, थोड़ा सा ये इमली का रस है ना, जो मैंने की जो इमली पहले से भिंगो के रखी हुई थी, तो इमली से क्या रहता है, इमली से टेस्ट आलू के डोसे वाले जो आलू होते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहो तो डाल सकते हैं, ऑप्शन में है, और नहीं चाहो तो मत डालो, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा आलू का। तो मैं इसका थोड़ा सा ये मैं रस डाल देती हूँ इसके मसाले में। अब इसका मसाला का ऐसे अच्छे से भून के तैयार हो जाएगा। अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। देखिए ये डोसे के आलू तैयार हैं, जो कि मैं बना रही थी। अब देखिए आप देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी उतने अच्छे लगेंगे। धन्यवाद। क्योंकि मैं सांभर बनाने जा रही हूँ, और मैंने सांभर के लिए ये सामान लिया हुआ, ये है तुअर दाल और चने की दाल है, जो कि मैं 1 घंटे पहले भिंगो के रख दी थी। और ये लौकी है, ये लौकी है आधी कटी हुई, छील के सब साफ की हुई है, पानी से धुली हुई है। और इमली का रस है, जो इमली सूखी इमली होती है उनको मैंने भिंगो के रख दिए थे, फिर उससे इसका जूस निकाल लिया। ये सांबर मसाला है, और ये आधा ये टमाटर कटा हुआ, और हींग
और प्याज, कड़ी पत्ता और लाल मिर्ची और धनिया, मिर्ची, हल्दी, ये तो सब डाल दी है, टेस्ट के अनुसार डालना है। अब मैं पूरी सबसे पहले क्या करते हैं, कुकर लेते हैं। कुकर में क्या करते हैं, सबसे पहले चने की दाल डालिए और लौकी डाल दीजिए इसमें, ठीक है, और धनिया, मिर्ची, हल्दी ये सब डाल के कुकर को गैस पे चढ़ाना है, ठीक है, और गैस ऑन कर दीजिए। ये मैंने शाम, देखो मेरा ये सांभर बनके तैयार हो गया है, जो कि मैंने अभी सांभर रखा था और मैंने दो सीटी लगवाई इसमें, दो सीटी के बाद आप देखिए ऐसा हो गया है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा आप इसको पतला भी करना है अभी इसको, ठीक है, और पतला करने। अब तड़के के लिए, सांभर के तड़के के लिए क्या क्या सामान चाहिए, देखो ये प्याज है और कड़ी पत्ता है, हरी लाल मिर्ची है और सांभर मसाला है और राई है, राई तड़के के लिए, और इमली का पानी है, टमाटर, हींग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन गैस को ऑन करेंगे, ठीक है, गैस को ऑन करने के बाद इसको फ्राई पैन रखेंगे, इसके ऊपर फ्राई पैन रखेंगे, फ्राई पैन थोड़ा सा फ्राई पैन रखा है, फ्राई पैन में ऑयल डाल रखा है तो वो अच्छे से गर्म हो गया है, धुआं भी निकल रहा है इसमें। अब दो चम्मच मैंने तेल डाला था इसमें, ठीक है। अब सबसे पहले क्या डालेंगे, राई, राई डालेंगे, राई के बाद फिर मैं इसे कड़ी पत्ता डाल देती हूँ और प्याज डाल देती हूँ, एक हाथ में चिकन, प्याज भी डाला और टमाटर भी डाल दिया इसमें, हरी मिर्ची भी डाल दिए इसमें, सब कुछ ऐड कर दिया और आधी चम्मच हींग डालना है, हल्का सा हींग डाल दीजिए इसमें, ठीक है। तो ये गरम मसाला है, सांभर मसाला भी इसी में ऐड कर दीजिए, ये सब अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद ये देखिए सांभर रखा हुआ है, ये सांभर मसाला सब इसमें डाल दीजिए। ये सांभर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने हैंड ग्राइंडर है ना, इससे मैंने इसको मिक्स कर लिया था अच्छे से, देखो ये पूरा मिक्स हो गया, ठीक है, देखिए अच्छे से मिक्स हो गया थोड़ा, क्योंकि पतला ही अच्छा लगता है इसे, थोड़ा ठीक तो अच्छा लगता नहीं है। अब मैं ये मेरा पूरा तैयार हो गया छौंका इसका, और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ऐड करने के बाद ये मैं गरम मसाला और डाल देती हूँ, सांभर मसाला, और मैं इसको फिर से थोड़ा सा गैस पर रख देती हूँ, ताकि ये जैसा है इसको अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये आप चाहो तो एक सीटी भी लगवा सकते हो, आप नहीं चाहो तो ऐसे खुले में भी थोड़ा सा इसको उबाल सकते हो, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तैयार है और देखने में देखो ऐसा दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा खाने में भी टेस्टी होगा, देखिए ये, ठीक है। धन्यवाद आप। और मैं बनाने जा रही हूँ डोसे, ठीक है। डोसे तो सभी को अच्छे लगते हैं, सबको ही पसंद है, जो कि मैंने देखो ये डोसे के लिए चावल लिए, चावल जो मार्केट में कनकी मिलती है, छोटे छोटे चावल मिलते हैं जो आसानी से भीग जाते हैं, ठीक है, थीके? और ये उड़द की दाल ली है दो कटोरी, और जो मैंने ये कटोरी ये मीडियम साइज की है, ना ज्यादा बड़ी है, मैंने इससे चावल, चार कटोरी चावल और दो कटोरी उड़द की धुली हुई दाल ली है, और आधा चम्मच पोहा और आधा चम्मच मेथी दाना, ठीक है। इन सबको मैंने पानी में भिंगो के रखना है अच्छे से। ये देखिए डोसे का घोल तैयार है, अब मैं बनाऊंगी डोसा, ठीक है। अगर आपका तवा चिपक रहा हो डोसा बनाने में, तो आप ये काम कीजिए, ये आधा प्याज लीजिए और आधा प्याज को अच्छे से तवा पे ऐसे रगड़ दीजिए, तो इसे बिल्कुल डोसा भी नहीं चिपकेगा और आसानी से डोसा भी निकल आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद थोड़ा सा पानी के छींटे पाड़ना है इसमें तवा पे, ऐसे करके थोड़ा सा ऑयल डालिए, और इसको ये गीला कपड़ा लीजिए, थोड़ा ये गीला कपड़ा दिख रहा है, मैंने पानी में थोड़ा सा भिंगो के ऐसे निचोड़ रखा था। अब इसको क्या करना, अच्छे से तवा पे ऐसे घुमा दीजिए, घुमाने के बाद गैस को धीमा कर लो बिल्कुल। इसके बाद डोसा,
डोसे में कटोरी को अपन ऐसे फ्लैट यूज करना है जो बिल्कुल प्लेन होती है नीचे से कटोरी, आप देखिए अच्छे से। और अब इसको डोसे को फैलाना है, डोसे को फैलाने के बिल्कुल हाथ मत रुकाइए कहीं से मोटा हो जाता है तो ये आसानी से। देखिए ये डोसा तैयार है, ये देखो ये डोसे को पलट रही हूँ, ये कितनी आसानी से निकल रहा है ना, देखिए चिपक भी नहीं रहा और ये डोसा आसानी से निकल भी गया है। और मैं इस डोसे को देखो देखो कितना अच्छा बना है, क्रंची भी बना है।